तुम क्या बहू लगा रखा है? और साफ साफ बताओ मैं कि क्यों हमारे साथ इतना घटिया मजाक किया? बिंदिया का क्रिश के लिए प्यार नहीं खत्म हुआ है भाई। हमने देखा ना किस तरीके से यहाँ पर बिंदिया उसकी जान बचाती है। यहाँ पर सब लोग पूजा के लिए आते हैं, बिंदिया पहले तो ड्राइवर बन जाती है और घर वालों को लगता है कि भाई कुछ तो चक्कर है, ये क्यों लेकर आ गई यहाँ पर किडनैप करके। लेकिन भाई फाइनली पता लगता है कि यहाँ पर पूजा हो रही है और सब लोग पूजा करते हैं, और जो साक्षी होती है ना वो बिंदिया को आग लगाने वाली होती है लेकिन क्रिश के लग जाती है। और क्रिश की धोती में जैसी आग लगती है ना तो बिंदिया बहुत चिंता करने लगती है और बिंदिया लेती है उसको पानी में धक्का दे देती है। और पानी में जैसी धक्का देती है ना सबको लगता है ये क्या करती है, और साथ ही साथ ना जो क्रिश होता है वो भी बिंदिया का हाथ पकड़ लेता है और बिंदिया भी गिर जाती है। दूसरों की जिंदगी में आग लगाकर हाथ देखने का शौक तो तुम्हें पाल रखा है पल्लू। एक छोटा सा रोमांटिक मोमेंट होता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर क्रिश को प्यार भी आने लगता है बिंदिया के ऊपर, लेकिन फिर उसे याद आता है अरे बिंदिया तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। और यहाँ जो बाबूजी और दादी है ना वो भी बिंदिया के बारे में बात कर रहे हैं, और दादी बहुत खुश हो रही है, बोल रही है कि देखो बिंदिया तो पहले जैसी हो गई है और सब कुछ छोड़ के उसने अपनी जान पर खेल के क्रिश को बचाया है। लेकिन जो बाबूजी होते हैं ना वो कहते हैं नहीं, बिंदिया हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और बिंदिया थोड़ी सी अपसेट हो जाती है सुन के। वहीं दूसरी तरफ भाई बिंदिया चलती है अपनी बड़ी चाल, क्योंकि यहाँ पर ना क्रिश ने बोल दिया है कि जो पायल है ना उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसने किडनी दी है मेरे लिए। और बिंदिया ये विश्वास करने को तैयार ही नहीं, क्योंकि पायल को तुम जानती है ना कि पायल तो कभी भी कुछ नहीं कर सकती है किसी के लिए। और बिंदिया आप पता लगाती है कि क्या है इसके पीछे सच, और यहाँ पर बिंदिया को पता लग जाता है कि भाई पायल ने तो नहीं दी है कोई किडनी वगैरह, वो सब पागल बनाने का तरीका था, क्रिश को फंसाने का तरीका था। जो उसने टांके भी लगाए थे ना वो भी आर्टिफिशियल टांके थे। तो यहाँ पर ये सब खुलासा करेगी वो पायल। वहीं दूसरी तरफ ना साक्षी को उसने अपनी तरफ कर लिया है, साक्षी का उसने एक नर्स रिकॉर्डिंग कर ली है जिसमें साक्षी पायल को बहुत उल्टा सीधा बोल रही है और पायल ये सब सुन लेती है। अब पायल और साक्षी एक दूसरे के बन जाएंगे दुश्मन, और यहाँ पर भाई एक्सपोज होंगे दोनों लोग और सच आएगा सामने।